हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स के अंतर्गत लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा सातवीं खंड सा 2022-23 के अंतर्गत पाठ 5 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक ये हम इस पाठ में सीखेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम इसमें सीखेंगे, सीखने के प्रतिफल इसमें है 610 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुरास्थलों तथा अन्य स्थानों को भारत के एक रूपरेखा मानचित्र पर अंकित करते हैं। प्राचीन काल के दौरान हुए व्यापक बदलाव की व्याख्या करते हैं। उदाहरण के लिए शिकार संग्रहण की अवस्था, कृषि की शुरुआत, सिंधु नदी के किनारे के आरंभिक शहर आदि, और एक स्थान पर हुए बदलाव को दूसरे स्थानों के बदलावों के साथ जोड़कर देखते हैं। इसी के अंतर्गत देखेंगे हम विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। तो खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें आखेटक के नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। अब कारण क्या थे वो भी हम देख सकते हैं। नंबर एक, वे एक जगह कई दिनों तक रहते थे तो आसपास के फलों पौधों जानवरों आदि को खा करके समाप्त कर देते थे, फिर भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता था। नंबर दो, वे जानवरों के पीछे उनका शिकार करने जाते थे। नंबर तीन, वे अलग अलग मौसम के अनुसार फल फूल मूल की तलाश में जाते थे। इसके बाद, झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। अवशेष के रूप में प्राप्त सामग्री जैसे पत्थरों लकड़ियां और हड्डियों के औजार आदि के आधार पर आरंभिक मानव की जानकारी मिलती है। लगभग 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फल फाल आदि शामिल है। पुरास्थल में देखेंगे हम तो पुरास्थल जो है उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते थे। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया होगा और बाद में वे उन्हें वहीं पर छोड़ गए। ये जमीन के औजार अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। आगे की खोज, तो आरंभिक मानव अलग अलग आग जलाना सीख गए थे। आग का प्रयोग कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। खेती और पशुपालन आरंभिक मानव ने धीरे धीरे स्थायी बसना शुरू कर दिया। भोजन की पूर्ति हेतु गेहूँ जौ धान आदि उगाना शुरू कर दिया और वे कृषक बन गए। इसी प्रकार अपने निवास स्थल के आसपास चारा रखकर जानवरों को पालतू बनाया होगा। ऐसा अनुमान है कि धीरे धीरे उन्होंने कुत्ता भेड़ बकरे गाय और सूअर आदि पालना शुरू कर दिया। इसी के अंतर्गत देखेंगे बच्चों हम अभ्यास हेतु वर्कशीट जो है। तो अभ्यास हेतु वर्कशीट में क्या देखेंगे हम कि दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए, अनुमान लगाइए कि इनका क्या उपयोग होता रहा होगा, फिर अपना उत्तर लिखिए। तो हम इस चित्र को ध्यान से देखेंगे। देखिए चित्र को आप अच्छे से ध्यान से देखें, इसमें भी और इस क्षेत्र में भी। तो अब इसके विषय में लिखेंगे कि ये पुरास्थल है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया होगा और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर
अंदर में पाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे आरंभिक मानव द्वारा खेती की शुरुआत क्यों व किस प्रकार होगी। तो आरंभिक मानव ने धीरे धीरे स्थायी बसना शुरू कर दिया, भोजन की पूर्ति हेतु गेहूँ जो धान आदि उगाना शुरू कर दिया और भी कृषक बन गए। तीसरा है आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान किस लिए घूमा करते थे। तो आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान अपने भोजन की तलाश के लिए घूमा करते थे। वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे। ऐसा करने के और भी अनेक कारण हैं। फिर अगला प्रश्न है पूरा स्थल किसे कहते हैं। तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अब इसी के अंतर्गत बच्चों हम देखेंगे प्रोजेक्ट कार। अब प्रोजेक्ट कार में क्या है कि दिए गए मानचित्र में इन पूरा स्थलों को दर्शाइए। मेहरगढ़, भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं, ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, हल्लूर, महागढ़ा, इमाम गांव, कोलकाता, मुंबई। सहायता के लिए पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 13 पर दिए गए मानचित्र का अवलोकन कर सकते हैं। हम देखेंगे यहाँ भारत का मानचित्र बना हुआ है जिसमें हमें दिए गए दर्शाना है। तो यहाँ देखिए आप बिंदु हमने लगा दिए इस मानचित्र में और बुर्ज होम यहाँ पर है। यहाँ देखिए आप मेहरगढ़, यहाँ महागढ़ा, यहाँ कोलकाता, भीमबेटका, मुंबई, इनाम गांव, उल्लूर, ब्रह्मगिरी, करनाल गुफाएं, ये सारे जो है क्षेत्र में हमने बिंदु के माध्यम से प्रदर्शित कर नाम लिख दिया है। बच्चों आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम स्व आकलन हेतु वर्कशीट जो है हमारे पास, तो इसमें हम कार्य करेंगे। तो आरंभिक मानव में आग का प्रयोग किन किन कार्यों के लिए किया गया होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कि आरंभिक मानव आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। इसके बाद है आरंभिक मानव द्वारा लोहे के औजारों का उपयोग किन किन कार्यों में किया गया होगा लिखिए। तो नहीं, आरंभिक मानव आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक था। इसका मतलब है कि वह भोजन के लिए शिकार करता था और कंदमूल फल इकट्ठा करता था। आरंभिक मानव एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता था। इसके बाद देखेंगे हम आरंभिक मानव आर्किट से क्या क्या सामग्री एकत्रित करते थे। आरंभिक मानव आर्किट से कंद, फल, फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे एकत्र करते थे। इसके बाद देखेंगे आरंभिक मानव ने सर्वप्रथम किन फसलों का उपयोग किया था, उनके नाम लिखे। तो आरंभिक मानव ने सर्वप्रथम गेहूँ, जौ, धान आदि उगाना शुरू किया था। तो इस प्रकार हम जो है इस अध्याय को पूरा कर लेते हैं कि आखिर खाद्य संग्रह, भोजन और उत्पादक इस पाठ में हमने सीखा किस प्रकार अपने अतीत के समय में बुजुर्गों ने समय बिता करके ये सब सारी चीज़ें देख सीखा, आग जलाना कैसे जलाया गया, ये सारी चीज़ें इस वर्कशीट में हमने देखा। आशा है बच्चों वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और आने वाली वर्कशीट को तैयार करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।